हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा एप्लीकेशन को देखने जा रहे हैं जिस पे आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह और जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सबको अच्छे से सिक्योरली रख सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ टाइप करिए डिजी लॉकर। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन है डिजी लॉकर। इसे आपको इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करते हैं हम लोग इसको। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, तो इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाता है आपको। यहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एजुकेशन रिलेटेड, बैंकिंग, हेल्थ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है फ्रेंड्स। तो हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा साइन इन करने के लिए। और हमने इस एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल किया तो हमारे पास कोई आईडी है नहीं, तो हम एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं डिजी लॉकर के अंदर। क्रिएट अकाउंट पर टैप करिए। क्रिएट अकाउंट पर टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपसे आपका नाम पूछेगा एज़ पर आपका आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ भी पूछेगा आधार कार्ड के हिसाब से। और इस फॉर्म को आप अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा आधार कार्ड के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरने के बाद आपके फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ओटीपी एंटर कर दिया है और यहाँ सबमिट पर टैप करते हैं। सबमिट में टैप करने के बाद ये आपसे आपका यूज़र नेम पूछेगा। अपना यूज़र नेम डाल करके यहाँ सबमिट पे टैप कर दीजिए। और यहाँ पे जो यूज़र नेम आप डालेंगे वो यूनिक होना चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैंने नाम दिया था वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे एक नया यूज़र नेम देना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यूज़र नेम सेट हो गया है, तो इसे ओके पे टैप कर दीजिए। और जब आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यूज़र नेम सक्सेसफुली क्रिएटेड। और इसके बाद ये आपको एक डैशबोर्ड पे लेके चला जाएगा। ये आपका एक्चुअल अकाउंट का डैशबोर्ड है। ऊपर में आप देख सकते हैं कि आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, जो भी आपने नाम दिया होगा वेलकम के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सेम इंटरफेस मिलेगा जैसे ऐप के स्टार्टिंग पे मिला था। बहुत सारे गवर्नमेंट रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं फ्रेंड्स। ये जो तीन लाइन बने हुए हैं उस पर आप टैप करिए। टैप करने के बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। अभी हम जिस पेज पर हैं, ये वाला पेज, ये होम पेज है हमारा। उसके बाद हम जाते हैं इशूड डॉक्यूमेंट्स पे। इशूड डॉक्यूमेंट्स पे अगर आप जाएंगे और आप यहाँ पे जितनी डिटेल्स मांगे हुए हैं जैसे आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब अगर आप डाल के यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपके नाम पर अगर कुछ भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए हुए होंगे तो सारे सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम जाते हैं ड्राइव पर। ड्राइव यूज़ करने के लिए आपको इसको अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ पर टैप कर दीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ड्राइव है डिजी लॉकर का। जो हमारा ड्राइव है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इस एप्लीकेशन का, जहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड चीज़ें रख सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट, जो जैसे 10th क्लास का मार्कशीट, 12th मार्कशीट, और अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक वगैरह किया हुआ है, वो सब सारे डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट फोल्डर बना हुआ है यहाँ पे। फ़िलहाल ये एम्प्टी है क्योंकि हमने इस पर कोई फाइल वगैरह डाला नहीं है। तो फाइल यहाँ पे अपलोड करने के लिए ये जो प्लस आइकन है इस पर आप टैप करिए। टाइप करने के बाद ये आपको आपके गैलरी में ले जाएगा। और वहाँ गैलरी में जाने के बाद आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए, तो वो सीधा आपके ड्राइव में सेव हो जाएगा। और उसके बाद हम एजुकेशन के सेक्शन में देख रहे हैं। एजुकेशन में भी सेम फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे भी आप अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशन है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रखते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं स्कैन क्यूआर कोड ऑप्शन में। स्कैन क्यूआर कोड जो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, इसको यूज़ करके आप अब कोई भी सर्टिफिकेट को स्कैन कर सकते हैं और उसका जो आइडेंटिटी है, जो ऑथेंटिकेशन है, मतलब कि वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है कि नहीं, वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं इस स्कैनर को यूज़ करके। तो बस स्कैन नाउ पे टैप करिए और जो सर्टिफिकेट आपके पास है
उसको आप स्कैन कर सकते हैं कैमरा का यूज़ करके। उसके बाद जो ऑप्शन है वो प्रोफाइल का है। प्रोफाइल में जाने के बाद ये बताएगा आपके प्रोफाइल के बारे में। यहाँ पे आप अपने नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो ऊपर ये पेंसिल बटन है, इस पर टैप करके आप अपना एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, और अपडेट पे टैप कर दीजिए तो आपका जो प्रोफाइल का डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद अबाउट का सेक्शन है। अबाउट हमारे उतने कोई काम का नहीं है। फिर हम सेटिंग्स पर जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है सिक्योरिटी में, 4 डिजिट का एम पिन सेट करने के लिए। ये एक एक्स्ट्रा लेयर है सिक्योरिटी का। अगर आप चाहें तो इसको इनेबल करके इसको सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं फ़िलहाल इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। उसके बाद जो ऑप्शन है वो शेयर का है। शेयर को यूज़ करके आप इस एप्लीकेशन को किसी को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं उसके डॉक्यूमेंट वगैरह को डिजिटली सेव करने के लिए ऑनलाइन, और जब आपको मतलब काम पड़े तब आप वहाँ से वो डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके कहीं भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हेल्प का सेक्शन है, वो भी हमारे किसी काम का नहीं है। उसके बाद लॉगआउट का ऑप्शन मिल जाता है आपको। अगर आप इस एप्लीकेशन से लॉगआउट करना चाहते हैं तो आप लॉगआउट पर टैप कर दीजिए। तो ये थे हमारे सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक बेल आइकन बना हुआ है। इस बेल आइकन पे आप टैप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यहाँ पे। अगर आपने किसी भी चीज़ पे सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और आपका आधार कार्ड अगर लिंक है उस चीज़ पे, तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ नोटिफिकेशन पर टैप करके आप देख सकते हैं। तो ये था होम का सेक्शन जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। नीचे में भी मिल जाता है आपको इशू डॉक्यूमेंट का सेक्शन जो मैंने पहले ही बता दिया है आपको। अपना आधार नंबर और नाम देने से जो भी सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स आपको इशूड हुए होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारे यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। उसके बाद हम ब्राउज के सेक्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो मैं सिर्फ एक ऑप्शन पे टैप करके आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आधार है उस पर टैप करिए, फिर से इस पर टैप करिए, और आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे आधार को लिंक कर सकते हैं फ्रेंड्स। अपना आधार नंबर डालिए और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो डिजी लॉकर से आपका आधार लिंक हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे आप लिंक कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन से अवेलेबल हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं LIC, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आप कुछ EMI वगैरह भी लेना चाहते हैं, जो अकाउंट है आपका बजाज वगैरह में, वो भी आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। सारा नोटिफिकेशन आपको डिजी लॉकर पर मिल जाएगा, और काफ़ी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है फ्रेंड्स। सो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे डिजी लॉकर एप्लीकेशन का कंप्लीट ट्यूटोरियल। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके के और भी एप्लीकेशन ट्यूटोरियल के लिए। और अगर कोई सजेशन है, अगर कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे आप रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।